तो A4 विदाई होते फाइनली वापस मैं जा रही हूँ. बहुत बुरा लग रहा है, सब फ्रेंड्स से मिलकर अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मजा किया, लेकिन अब वापस वही बोरिंग लाइफ. हमको भी बुरा लग रहा है. भाई पर बहुत बर्फ है. ओए क्या कर रहा है? अरे ये तो सच में रजाई है. हाँ मत कर, दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में. कुछ नहीं. बाय 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 बाय. अच्छा लगा आपसे मिलकर. तो कब कब ही बंद होने का नाम नहीं ले रही है सुबह सुबह. ये तो मेरा मस्ती मजाक के हिसाब से ये तो अब ये रजाई में गाड़ी चलेगी. नींद पूरी नहीं हुई यार तुम ऐसे. तो रजाई ओढ़ के सीधी बातें कर रहे हैं यार सब लोग. कुछ तो भी बोलो. ढक्कन गेट को ढक्कन. तो इस ठंड में हमने भी ये ओढ़ ली है रजाई. चलो कुछ खाते पीते हैं. भूख लग रही है. पहले इस गाड़ी बहुत दिन से निकाया. अरे पुष्पा बेटी कहाँ जा रही हो इतनी ठंड में? पेट्रोल डाला. इतनी ठंड लग रही है तुमको? ये खतरनाक गुस्से में देख रहा है यार. बेटे जी आपसे नाराज हो गया. देखो आपकी तरफ देख रहा. ये नाराज हो गया. उसकी दीदी गई अभी तो घूमने पे. भाई अरे और उधर मुकल गया. गजब मत चढ़ो इसको. न छेड़ो हमें हम सताए हुए. आज तो फूल वाले भी नहीं आए. तो ये छोड़ गए यार. ये दरवाजा तो लगा जाता है. ठंड कितनी है. और पानी मिल गया. पानी रात का. अब पियेंगे पानी. लेते को पीना है? पियो पियो फिर पीता हूँ. सुबह से हमारा नाश्ता शुरू हो गया है. फिर इसमें से निकालता हूँ नीचे से. हाँ भाई साहब देख सकते हैं कि हमारा कुछ जाबाज सिपाही उन यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं. ये थक गए यार. ये है ऋषु भाई. ये आदित्य अंदर मोबाइल चला रहा है. और ये हमारे शुभम भैया. ये बढ़िया काम है यार सोने का है. आपको हम भी थोड़ा सा धूप में आराम फरमा लेते हैं. अभी हम थोड़ा वो सामान घर लेके आए हैं. अभी चलो, 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 चलो यार बैठे हैं. वो ठंड लग रही है. यही बैठ जाए यार. इसको देखो आप. इधर आओ. हमको भी देखना है भाई. क्या अरे क्या मेरे को तो अंदर लोग तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एक दो दिन से सोए नहीं है तो आंखें फूल गई है. और नाइट ज़ूम के आसपास का लोट फोट हो रहा है. और सबके ब्रेन में केमिकल लोचा हो रहा है भाई. अरे गाइस 3 बज गए. हम तो थोड़ी देर सोने का थोड़ी देर सोने का प्रोग्राम था. हमने फोन उठा के देखा है तो 3 बज गई है. हाँ 3 बज गई है. मालूम ही नहीं पड़ी. अभी फिर सोएंगे तो फिर मालूम नहीं पड़ेगी. अरे भैया आवाज ऐसी हो रही. बेस हो रही. बेस आवाज में बेस. मेरे घर से फोन आ रहा है. बात ही बिट्टू कर रहा था. हाँ गाइस तो अब हो गया है टाइम. 4 बज गई है. और हमारे शरीर को ये भी होश नहीं है कि खाना भी. दोपहर के 4 बज रहे हैं. दोपहर के भैया सुबह के नहीं. और हमारे धूप दिख रही ना लोग आओ. हमारी बॉडी को कोई होश नहीं है कि भूख भी लग रही है कि नहीं लग रही. फिर भी हम लहसुन के फ्लेवर वाली सब्जी और पूड़ी खा रहे हैं. और अब थोड़ा हमारा ब्रेन में स्टेबिलिटी आ गई है. हमको धूप धूप ही दिख रही है. पूरी पूरी ही दिख रही है. कुछ देर पहले हमको पूरी जले भी दिख रही थी. हम बोलना चाह रहे थे कि दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है.
लेकिन अब सही होता जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि किसने कौन सी डिश नहीं खाई। अभी हमारा यह डिस्कशन तो चलता रहेगा कि किसने क्या खाया क्या नहीं, और निखर निखर के आएगी चीजें। पर अब हमको मालूम पड़ रही है कि बहुत सारी डिशेस थी। दोस्तों क्या है कि सब चले गए तो हमको थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, पर हम शादी के बाद के काम निपटाने जा रहे हैं अभी, बिल्स एंड ऑल। तो करते चलो चलो क्या घर, अभी तो हम घर भी नहीं पहुंचे हमारे अपने अपने, और हल्की हल्की सुर्खी बरकरार है अभी भी, क्योंकि वर्ड्स अच्छे से नहीं निकल रहे हैं क्या। ठंड इतनी थी रात में, शुभम भैया ने दो दो जोड़ी मोजे कौन पहनता है यार। पर शुभम भैया यूनिक है थोड़े क्या, वो पहनते अंदर भी कुछ है अंदर। स्कूटी कहाँ गई? अच्छा मम्मी ले गई नहीं, देखो सूजी नहीं पड़ रही है। बात ये हो गई कि हम शादी की कुछ मेमोरीज में ऐसा खोए कि हमको जहाँ जाना था वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आ गए। अभी हम इसको गिनेंगे क्योंकि हमने गिने को 40 यार 40 होंगे, लग तो रहे 50 हो सकते हैं मेरे साथ। कोई बाबू जी की धोती तो नहीं आ गई इसमें पंडित जी की। दोस्तों हम वापस उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कल थे, और ये सुबह यहाँ ताप जल रही थी। कल यहाँ पे बहुत प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, और इनने तो बहुत साफ सफाई कर दी यार। यहाँ हमारा हैशटैग रखा हुआ था पर मिल नहीं रहा, तो हमारी कल केक की टेबल यही रखी हुई है। और इन्होंने यहाँ क्या सब बिल्कुल ऐसा कर दिया नए जैसे ही वापस, कोई भी नहीं। और कल सब थे यहाँ पे ऑफिस में, हैंगे वो बैठे रहते हैं, हैंगे तो चलो देख लेंगे उधर के। हम जरा नमक लेके आते हैं अभी, क्योंकि नमक है तो सही पर मिल नहीं रहा है घर पे, कहाँ रखा गया है नमक। तो ऐसा होता है कि सामान इधर उधर रखा जाता है। तो कल इस टाइम हम डांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आंटी जी आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, तो आप तो बहुत हंस रहे हो आज। एक दो दिन बाद अच्छा लगेगा, एक दो दिन। हाँ वही तो। Check the mic and make sure it sound right, boys. पूरी गाड़ी में गद्दे भरे हैं। ए भाई हीटर बंद कर, गर्मी लग रही। अरे एसी चला दे यार। और ये हमारा रिशु बेट, अरे रिशु सॉरी रिशु तुम वहाँ पहुँच गए हो, हमें मालूम है। ये हमारे केतन भाई है, और ये गद्दे ही गद्दे हैं। और हम कैसे बैठे हैं मतलब उतरते टाइम शुभम भैया हमको शूट करके बताएंगे। हाँ जी, तो अरे लॉक तो खोलो रे तुम, लॉक ये देखो ऐसे इस तरह के से, इस तरह से हम पैक होकर आए। ये देखो एक एक पैर फेंकना पड़ रहा है, ये देखो हालत। तो हम आ गए हैं बच के, और इस तरह से हमने रजाई गद्दे सब लेकर आए भर कर। गिन के रखना है अपने को, गिन रेनो ड्राइवर। तो आप इसको बुलेरो जैसा भी यूज कर सकते हैं। बिट्टू का ऑटोग्राफ तो वो है, व्हाइट शर्ट का है। हमने अभी 3 फर्श दिए हैं, 11 गद्दे और 15 रजाई। ये बड़ा फायदा है ना, फायदा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हाय गाइस, तो जब तक हम शुभम भैया के साथ रहेंगे हम चाय और कॉफी आपको बताते रहेंगे ब्लॉग्स में। चाय और कॉफी तो लगता। तो दोस्तों बैक टू बैक मैंने कॉफी के ऊपर चाय आई है, और जब बिट्टू का आइडिया था गुजराती है ना वो। हाँ भैया हम चाय पी रहे हैं, और जब तक शुभम भैया और आदित्य हमारे साथ रहेंगे चाय पे चाय और कॉफी पे कॉफी और उसके बाद पान पे पान चलते रहेंगे बिल्कुल। और सुबह हम जो थोड़ा हमको अजीब सा लग रहा था, पर अब थोड़ा सा हम भूल चुके हैं कि शादी खत्म हो गई है। तो दीदी आप ऐसा रूड मत होना,
हमको आपकी याद आ रही है सुबह सुबह थोड़ा सा रो रहा करना पड़ता है नीचे तो, तेरे को लेने आना है अभी एक दो दिन बाद। हाँ तो कुछ अंकल तेरे को याद कर रहे हैं कुछ ऐसा है। और आप लोड मत लो जरा क्योंकि आंटी बड़ा मुस्कुरा रही है आपने देखा अभी व्लॉग में पर उनको थोड़ा सा और आप आ जाओ मिलो उनसे बढ़िया बड़ा पारिवारिक सा माहौल हो रहा है। बिल्कुल पारिवारिक माहौल तेरे लिए रुकना पड़ रहा है। हाँ गाइस तो आज हम जा रहे हैं बिट्टू के मामा को छोड़ने वापस। क्या सीट बेल्ट निकाल दी? अच्छा ऐसा रुको मैं दस लगा। तो यार ये देखो इतनी सारी उल्टी होती है यहाँ से भोपाल जाने में। उल्टी बहुत हुई है भोपाल वाली बस में। बाय। तो दोस्तों रात को 1:15 बज चुकी है और हम केतन के पापा को छोड़ने आए थे अभी और वापस जा रहे हैं। तो मैंने बोला था कि चाय अभी रुकने वाली नहीं है 1 बजे भी पियेंगे हम। उठाओ रे। अरे रे नहीं रे ग्लास ले उठा। खुली क्यों क्यों पॉलीथीन क्या हो रही है? पॉलीथीन जी वाली पॉलीथीन ऐसी आती है खींचते जाओ तो लंबी हो जाती है फटती है। तो हम मान नहीं रहे हैं और सेव परमल भी चलेंगे। एक पेपर और बाप रे कितने 20 के ले लिए क्या? हाँ हम लोग खाली लड्डू और दिख रहे हैं इनके। लड्डू वाले ही लगे लड्डू और खत्म रुको एक लड्डू खाए। रात को सेव परमल चल रहे हैं 1 बजे इसमें बोल इधर दिखाओ पहले यार भूल गया तुम। सेव इतने डाल दी परमल ज्यादा डाल दिए सेव पर नॉर्मल। अरे ऐसे डाल दो मिला देंगे मिलाओ। देखिए ऐसे इससे कुछ याद नहीं आ जाता यार तुम सेव कर इसके बाहर में। अरे मिला नहीं तो अरे रुको बेटा जरा। तो रात में 1:30 बजे हम खा रहे हैं मिठाई। देखो ये ये दिन बड़े याद आते हैं तभी तो इनको तो ये बातें तो चलती रहेगी। हम रात भर हम मिलते हैं सुबह।